मॉर्निंग एसईटीबी स्टूडेंट्स, आई एम प्रभजोत कौर, योर क्लास टीचर. स्टूडेंट्स, ओपन योर साइंस बुक. टुडे वी कंटिन्यू द रीडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 7, सेडिमेंट्री रॉक्स. आज हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में. द रिवर्स दैट फ्लो फ्रॉम द माउंटेन्स ब्रिंग अलॉन्ग रॉक्स फ्रॉम द माउंटेन्स. समटाइम्स द विंड एंड चेंज इन वेदर कंडीशन ऑल्सो ब्रेक अवे द रॉक्स फ्रॉम द माउंटेन्स. दीज ब्रोकन पीसीज डिपॉजिट एंड मेक लेयर्स टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स. इसमें क्या कह रहे हैं कि जो नदियाँ बहती हैं पहाड़ों के ऊपर से बहती हैं जब नदियाँ, तो जो पहाड़ों पर छोटे छोटे पत्थर कंकर अपने साथ बहा के ले आती हैं, वो नीचे आकर एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं. उनके इकट्ठा होने से जो रॉक्स बनती हैं वो होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. और कई बार वेदर चेंज होता है, मतलब तेज़ हवाएं चलती हैं, उनसे जो कंकड़ छोटे छोटे एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं पहाड़ों से गिरने के बाद, तो वो जब इकट्ठे होकर जो रॉक्स बनती है वो होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम द शेल्स ऑफ द सी क्रिएचर्स. वैन द शेल्स फॉर्म अ थिक लेयर दे बिकम कंप्रेस्ड एंड फॉर्म रॉक्स. सम एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर. इसमें क्या कह रहे हैं कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं शेल्स ऑफ सी क्रिएचर्स से भी बनती हैं. सी क्रिएचर्स वो होते हैं समुद्र में रहने वाले जीव जंतु, जो उनके शेल्स होती हैं, जैसे इजी लैंग्वेज में कहो कि जिस मोटी सी परत होती है उनके जब इकट्ठा होने से जो रॉक्स बनती है वो भी होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. कौन कौन सी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं? सैंड स्टोन. इट इज फॉर्म्ड व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ सैंड गेट डिपॉजिटेड टुगेदर. इट इज सॉफ्ट स्टोन. सैंडस्टोन इज नॉट हार्म्ड बाय सेलाइन सी वाटर, सो इट इज यूज टू बिल्ड एक्सटीरियर पार्ट्स ऑफ सी शोर बिल्डिंग्स. इट ऑल्सो हीट्स अप स्लोली. द रेड फोर्ट, जामा मस्जिद आर सम फेमस मोन्यूमेंट्स मेड अप ऑफ रेड स्टोन. सैंडस्टोन होता है कि बलुआ पत्थर. देखो ये बनता कैसे है कि जो मिट्टी के कण हैं इनके इकट्ठा एक जगह पे इकट्ठा होने से जो स्टोन बनता है वो होता है सैंडस्टोन. ये सॉफ्ट होता है, इसे खारे पानी से इसे कोई हानि नहीं होती. इस पत्थर को जो रेड सैंडस्टोन है या सैंडस्टोन है वो उसको खारे पानी से कोई वो हानि नहीं होती, इसलिए तो इसे यूज किया जाता है जो समुद्र के किनारे कुछ बनाने के लिए, तो रेड सैंडस्टोन का यूज किया जाता है या फिर सैंडस्टोन का यूज किया जाता है. जैसे कि जो रेड फोर्ट और जामा मस्जिद हैं, ये पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ना, ये रेड सैंडस्टोन से बने हुए हैं, ये जल्दी से गर्म भी नहीं होते. नेक्स्ट है कॉन्ग्लोमेरेट. इट इज फाउंड व्हेन पेबल्स एंड ग्रेवल गेट सीमेंटेड टुगेदर. इट हैज कॉर्स ग्रेन एंड सो इट इज अनइवन इन टेक्सचर. इट इज यूजुअली फाउंड इन शेड्स ऑफ ग्रे एंड ऑरेंज एंड इज पॉलिश टू मेक ऑर्नामेंट्स. ये भी एक सेडिमेंट्री रॉक है, लेकिन बनती कैसे है? पत्थर और कंकड़ के इकट्ठा होने से ये रॉक बनती है. इसके मोटे मोटे दाने होते हैं, इसलिए ये समतल नहीं होती, मतलब प्लेन नहीं होती है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, ऊबड़ खाबड़ होती है जैसे कि. और इसे पॉलिश किया जाता है, क्या बनाने के लिए? आभूषण बनाने के लिए पॉलिश किया जाता है. और इसके कौन कौन से शेड हैं? ग्रे और ऑरेंज शेड में ये आते हैं. नेक्स्ट है शेल. व्हेन क्ले एंड मड पार्टिकल सॉलिडिफाई दे फॉर्म शेल. इट इज यूज इन मेकिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट. शेल भी एक सेडिमेंट्री रॉक है. ये क्ले और मिट्टी के पार्टिकल से जो इकट्ठा हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, तो ये क्या बन जाती है? शेल. एक सेडिमेंट्री रॉक है. इसे यूज किस लिए किया जाता है? ब्रिक्स और सीमेंट बनाने के लिए. नेक्स्ट है लाइमस्टोन. द टाइटली पैक्ड शेल्स ऑफ सी क्रिएचर्स फॉर्म लाइमस्टोन. इट इज सॉफ्ट एंड ईजी टू कट इन टू ब्लॉक्स. इट इज यूज इन मेकिंग सीमेंट एंड ग्लास. इसमें क्या कह रहा है कि जो लाइमस्टोन है, चूना पत्थर, ये कैसे बनता है? वही सी क्रिएचर के शेल से बनता है. टाइटली पैक जब हो जाते हैं, इकट्ठा बिल्कुल हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? लाइमस्टोन बन जाता है. और ये सॉफ्ट होती है, इसे काटना इजी हो, सॉफ्ट है तो उसे ब्लॉक्स में काटना इजी होता है. और इसे सीमेंट और ग्लास कांच बनाने में यूज किया जाता है. स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. स्टूडेंट्स, रीड दिस चैप्टर केयरफुली. थैंक यू.